राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कई दिनों से प्रसंग चल रहा है निर्गुणा भक्ति का, क्योंकि निर्गुणा भक्ति ही मनुष्य के जो अनादिकाल से बंधा हुआ है जीव बना हुआ है, हम जीव क्यों हैं? क्योंकि शरीर के बंधनों में हैं। जीव तबते हरिते बिलगान्यो जबते देह गेह निज जान्यो। ये देह का बंधन न छूटा और न छूटने की संभावना है। संभावना इसलिए नहीं है कि देह का अध्यास मिटता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि निराश कर रहे हैं। निराशा मनुष्य को कभी भी नहीं करनी चाहिए और विश्वास और आशा ही साधक के मुख्य स्तंभ हैं। बिना निर्गुणा भक्ति के जीव कोश नहीं जलता है। जीव कोश माने जो भीतर सूक्ष्म शरीर है, वही असली शरीर है। वही काम करता है, वही बोलता चलता उठता बैठता सोता खाता पीता। ये ऊपर का शरीर तो कुछ नहीं करता। सभी लोग जानते हैं कि ये ऊपर का शरीर काम कर रहा है, हर प्राणी संसार का जितने जीव हैं चर अचर देव मनुष्य तिर्यग नाग सब ये जानते हैं, ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है, उठ रहा है चल रहा है बोल रहा है, ये जो दिखाई पड़ता है यही काम करता है। ये बात बिल्कुल झूठ है। इसीलिए पुरंजन ने प्रश्न किया था नारद जी से कि मनुष्य मर जाता है
तो स्वर्ग नरक में दूसरा शरीर मिलता है। स्वर्ग में भोग भोगता है, नरक में कष्ट पूर्ता पाता है। ऐसा क्यों है? जब इसी शरीर ने हत्या किया, पाप किया, तो दूसरे शरीर को दंड देना या पुरस्कार देना अन्याय है। ये कोई न्याय नहीं है। ईश्वर के विधान में ये कैसा न्याय है? इस शरीर ने हत्या किया और नारकी शरीर में दंड मिला, चाहे वहां उसको जलाया गया या यातना दी गई, वो दूसरा शरीर था, तो क्या ये न्याय है? पुरंजन ने प्रश्न किया। पुरंजन माने जीव, हर जीव यही सोचता है, ये उसका प्रश्न है। 4, 29, 58 चौथा स्कंद 29वां अध्याय श्लोक संख्या 58। जीव बोला, कर्माणि आरभते येन मने जिस स्थूल शरीर से दिखाई पड़ रहा है, कर्म करता है। पुमान माने वो मनुष्य जब मरा, यह तो इस संसार में इसको छोड़ गया, उस शरीर को चाहे जलाओ, चाहे गाड़ो, चाहे दफना दो। तम माने उस शरीर को छोड़ दिया उसने, यानी मर गया। अमूत्र माने परलोक संस्कृत में। अमूत्र माने परलोक में अन्य देह माने अन्य शरीर से किए हुए को, जुष्टानी माने किए हुए को, जो अश्नुते भोग भोगता है, ये तो कोई न्याय नहीं है। जिसने कर्म किया उसी को दंड देना चाहिए। कर्म किसी ने किया और दंड दूसरे को दिया जा रहा है, ये प्रश्न जीव मात्र की ओर से पुरंजन ने किया। नारद जी उसका उत्तर दे रहे हैं, देखो ये नहीं वारभते कर्म। 29 का 60 चौथा स्कंद 29वां अध्याय श्लोक संख्या 60। ये न माने जिस शरीर से आरभते कर्म, मनुष्य यहां कर्म करता है, तेन माने उसी शरीर से, अमूत्र माने परलोक में, तत् माने उस कर्मों को मनुष्य भोगता है। यानी
इस संसार में जो शरीर काम कर रहा है वही शरीर वहां भोगता है। बोले ऐसा कैसे मान लेंगे? मृत्यु का व्यवधान आ गया बीच में, तो मर गया शरीर, यहीं फूंका गया, तो मृत्यु ने व्यवधान डाल दिया। व्यवधान माने एक रुकावट डाल दिया और वो ये शरीर से उसने पाप किए थे, चोरी या हत्या या दुराचार, पाप 10 होते हैं। मनुस्मृति में बताए गए हैं, तीन शरीर के, तीन वाणी के, चार मन के। तो वो ये शरीर से उसने पाप किया था वो तो यहीं फूंक गया, और ये स्थूल शरीर तो वहां नरक में और स्वर्ग में गया नहीं, व्यवधान आ गया। बोले वो बात गलत है, व्यवधान नहीं आया। जो शरीर मरा था वो नहीं मरा था जिसने काम किया था। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, काम करने वाला शरीर एक ही है, उसको लिंग शरीर या मन कहते हैं। मन न मरता है, न आग में फूंकता है, न पानी में डूबता है। जिसने हत्या किया, हत्या करने वाला मन था, लिंग शरीर। जिसने चोरी किया वो हाथ नहीं था, इसके भीतर मन था। जिसको लिंग शरीर कहते हैं, मन ने ही चोरी किया था, मन ने ही हत्या किया था। मन ही सब काम करता है। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है ऊपर का ये शरीर। ये एक कपड़ा है, और इस धोखे में सब लोग रहते हैं। एक घटना घटी थी, हम जब चले आए यहां तो बाहर के गुंडों ने, हमारी माताजी अकेली थी, और उनको उनके सब सामान वामान बाहर करके घर पे कब्जा कर लिया। तो वो कुछ नहीं करती क्या बेचारी, वैसे भी विधवा थी, लड़का यहाँ साधु बन गया,
हम होते तो भी सशक्त गुंडे थे, शहरों में ऐसा होता है कि जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, ताकतवर आदमी कमजोर कुछ नहीं कर सकता। तो फोन गया एक भांजा था हमारा, उसने सुना कि नानी जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, वो संपन्न व्यक्ति था, बहुत ज्यादा धन से भी और जनशक्ति से भी, वो आया वहां अपने दो चार साथियों को लेकर के और सब सामान फिर से रखा। पुलिस की सहायता से वो लोग आए थे। एक दरोगा, ये लोग उन गुंडों को सहायता दे रहे थे, तो दरोगा सामने आया और उसने दरोगा को उठा कर पटका बड़े जोर से और दरोगा की पिटाई किया। सब गुंडे भाग भूग गए और जो बड़ा गुंडा था उसको पीटा गया। कभी भी वो पीटा नहीं था शहर में। हल्ला मच गया कि देखो एक अनाथ स्त्री को इसने सताया और कभी नहीं पिटा। लाइट चली गई थी मोहल्ले की, अंधेरे में सारे मोहल्ले के लोग टूट पड़े और पिटाई हुई। फिर जो दरोगा पिटा था उसने फोन किया, पुलिस फोर्स आ गई और फोर्स आ गई तो इसने पीटा दरोगा को। उत्तरत उसने जो पीटने वाला था भांजा वो कपड़ा बदल लिया, लाल सदरी की जगह हरी सदरी पहन लिया और लाइट चली गई थी। लोग कहें अरे लाल सदरी वाला कहाँ गया, उसको पकड़ो। वो वही था, बोले पता नहीं कहाँ गया और वो नहीं पकड़ पाए और फिर से सामान रखा गया। ये चमत्कार था भगवान का। तो इस दुनिया में तो ये घटना जो घटी ये इसलिए सुनाया कि ड्रेस बदलने से कोई पहचान नहीं पाया, जबकि मारने वाला वही था जिसने दरोगा को पीटा था और सामने खड़ा था, लेकिन ड्रेस बदलने से कोई नहीं पहचान पाया। भीड़ थी पिटाई में। उसी तरह से हम लोगों को भी ये ड्रेस बदल दिया जाता है और हम लोग जान नहीं पाते हैं। ये हाथ ये कत्ल नहीं करता है, पांव ये चलता नहीं है, मुंह ये बोलता नहीं है, आंख ये देखती नहीं है। इसके भीतर मन है।
मन ही देखता है, मन ही काम करता है, मन ही चलता है। सारी इंद्रियों का काम मन करता है। अब जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में हमारा ऑपरेशन हुआ था, सारे शरीर का खून निकाल दिया गया। ये तो भगवान की कृपा से हम पुनर्जन्म हुआ है। और 6 घंटे तक शरीर पड़ा रहा, ये पूछ वुछ बदला गया, जाने क्या क्या हुआ हार्ट का। और हमको कुछ पता नहीं, क्योंकि शरीर में मन बेहोश कर दिया जाता है। ऐसा बेहोश कर देते हैं कि मन को अचेतन अवस्था में ला देते हैं कि 100 किरणों टुकड़े कर दो तभी तुमको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता पड़ता है मन को। तो वो पांचवें स्कंद में ये बात कही गई कि भाई देखो, मन ही सब काम करते हैं। एकादशासन मनसो वृत्तयः, पांचवें स्कंद में, हाँ ये भागवत में कही गई बात कि न हाथ काम करता है न पांव जलता है। मन की ही वृत्तियां हैं 5, 11, 9। एकादशासन मनसो वृत्तिया, आकूति माने कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां 5 हैं, हाथ पांव पायुपस्थ, मूत्र त्याग करता है, मल त्याग करता है, बोलता है, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच धियो, धी माने बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान होता है, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, कर्मेंद्रियां 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां देखना, सुनना, खाना पीना, स्वाद लेना, सूंघना, स्पर्श करना, ये धी है। पंचधियो माने ज्ञान इंद्रियां, जिनसे शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान होता है। और 5 कर्म इंद्रियां, 10 ये कहाँ रहती इंद्रियां, मात्राणि कर्माणि पुरम चतासाम। 11 वृत्तियां हैं मन की, तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं हैं। कर्म 5 हैं, चलना, फिरना, पकड़ना, बोलना और मलमूत्र त्याग करना। कर्मेंद्रियों में कर्म होता है, तो कर्मेंद्रियों का आधार है कर्म। ज्ञानियों का, ज्ञानेंद्रियों का आधार है मात्राएं। और पुर माने शरीर, शरीर
के अहम का आधार है, अहम का आधार है शरीर। करता एक काम, ग्यारहों काम है मन। न कर्मेंद्री कोई काम करती है, न ज्ञानेंद्री करती है, न शरीर करता है। हमको तुमको दिखाई पड़ रहा है कि आदमी काम कर रहा है। ये अज्ञान है, आदमी काम नहीं कर रहा है। आदमी के शरीर के भीतर मन है। ये आदमी चोरी कर रहा है, आदमी चोरी नहीं कर रहा है। उसके शरीर में जो मन है वो चोरी कर रहा है। ये आदमी भोग भोग रहा है, बोले नहीं, इस शरीर के भीतर मन बैठा हुआ है। सब काम सूक्ष्म शरीर करता है, यानी मन करता है। तो मन से ही सब काम किया और मन ही मर करके गया। मन को आग नहीं जला सकती। एटम बम गिर जाए, सारा संसार जल जाए, मन नहीं जलेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं जलेगा। ये स्थूल शरीर है, मर जाएगा। सूक्ष्म शरीर तो प्रलय हो जाता है, वहां भी नहीं जलता है। इसलिए अध्यात्म संसार नहीं जानता है। आदि माने भीतर, आत्मा माने इन शरीरों का जो भीतर है उसको अध्यात्म कहते हैं। ये बात अध्यात्म में आदमी जान सकता है। इसीलिए भगवान की शरणागति से मुक्ति मिल जाती है। एक क्षण में मिलती है मुक्ति। दीपक जला, रोशनी भई। रोशनी ये नहीं पूछती है कि अंधेरा अभी का है, 1,00,000 वर्ष पहले का है। रोशनी भई और अंधेरा दूर। मन भगवान के शरण में गया और सब पाप खत्म। ये नहीं पूछता मनुष्य कि मन ने तुम्हारे करोड़ों जन्म में करोड़ों पाप किए हैं, अनंत पाप हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। मन भगवान के शरण में गया और खत्म। मन ही अनन्य नहीं होता है। अनंत कर्म मन में जमा है और ये मन भगवान की, इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन तू केवल मन लगा दे मेरे में, मई एव मन अधस्व। निश्चित हमारे में रहेगा, काल बाल छू नहीं सकता तुझको। काल क्या महाकाल, काल का बाप भी नहीं छू सकता। लेकिन मन भगवान में लगता नहीं है।
मन में कितने बंधन हैं उसको समझने की ताकत ही हम में नहीं है। सभी आसक्तियां मन में रहती हैं, एक आदमी अमेरिका में है सर्विस कर रहा है, अमेरिका यहां से काफी दूर है, 10,000 मील से ज्यादा है, और पैसा घर भेज रहा है क्योंकि आसक्ति उसकी यहां है। कितनी लंबी डोरी है ममता की, सोचो। बीच में समुद्र आया, और समुद्र की दूरी कुछ दूरी नहीं हो पाई, और रॉकेट बना है, अंतरिक्ष में लोग चले जाते हैं, लोग तो कहते हैं हम वहां तक पहुंच गए चंद्रलोक तक। ठीक है, तुम चंद्रलोक पहुंच गए, लेकिन आसक्ति की रस्सी उससे भी आगे बढ़ी है। वहां भी चंद्रलोक में गया रॉकेट से, और फिर जो कुछ कमाता है, जिसकी आसक्ति जहां है स्त्री पुत्र में, वहीं भेजता है। तुम मर के कहीं भी चले जाओ, स्वामी हरिदास जी का पद है, तिनका बयार के बस। हम लोग एक तिनका हैं, तिनका से भी छोटे हैं, तिनके को हवा उड़ा ले जाती है। ज्यों भावे त्यों उड़ा ले जावे अपने रस। कहां ले जाती है? ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक जस। ये जीव ही मर के ब्रह्मलोक जाता है, शिवलोक जाता है, लेकिन वहां तक तुम्हारी आसक्ति पहुंचेगी, इतनी लंबी रस्सी है। तो इससे अंदाज लगा लो, स्वर्ग में जीव गया, नरक में गया, उसका मन उसके साथ है। ये विचित्र अध्यात्म है, इसको समझा नहीं जा सकता। समुद्र की दूरी भी कुछ दूरी नहीं है, लोकांतरों की दूरी भी कुछ दूरी नहीं है। आसक्ति की रस्सी अनंत है, माया अनंत है, जब तक आसक्तियां हैं तब तक भगवान में तुम अनन्य नहीं हो। ये निश्चित बात है कि भगवान में जब प्रेम हो जाएगा तो सब आसक्तियां खत्म हो जाएंगी। सूत जी ने कहा है 1:18:22, यत्रानुरक्ता
जब भगवान में तुम्हारा अनुरक्त माने अनुराग हो गया तो सहसैव धीरा, जो धीर लोग हैं भक्त लोग हैं, धीर कहते हैं धी धियम ईर्यति इति धीरा, धी माने बुद्धि, बुद्धि को जो चलाता है वश में रखता है उसको धीर कहते हैं, जिसकी मन बुद्धि उसके वश में है। हम भाषण दे रहे हैं, धीर नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि पूरी तौर से कंट्रोल में नहीं है। तो जो धीर होते हैं उनका ही भगवान में प्रेम होता है। जिसका मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, मन मने बुद्धि, बुद्धि मने मन, वो धीर नहीं है। धीर की पहचान क्या है? क्या उसका शरीर मोटा हो जाता है कि बढ़िया हो जाता है, या वो लाल कपड़े पहनता है या तिलक लगाता है या कंठी पहनता है? ये सब पहचान नहीं है, ये तो ऊपरी चीजें हैं। धीर उसको कहते हैं व्यपोह माने दूर करके, दे आदि में संग माने आसक्ति की मूर्खता को। आसक्तियां जिसने काट डाली वो है धीर है। जो आसक्ति की रस्सी ब्रह्मलोक तक जाती है, समुद्र की दूरी कुछ दूरी नहीं है उसके लिए। वो है धीर। हम लोग धीर कैसे हो जाएंगे? लड्डू देखा, पेड़ा देखा, मन चला गया। नोट देखे हजार हजार के, लाल लाल नोट हैं, वाह वाह, धीर नहीं है। न थे न है न हो सकते हैं। क्योंकि धीर पुरुष सदा समत्व में रहता है। तीनों लोक की लक्ष्मी रख दो भक्त के सामने, त्रिभुवन विभव हे तिवे प्य कुंठ स्मृति रजरात सुतार विज्ञात। तीनों लोक की लक्ष्मी रख दो, उसको याद ही नहीं आएगा कि क्या चीज सामने हमारे है। अकुंठ स्मृति, हमको तो स्मृति आ जाती है भाई, ये लाल नोट है हजार का है। ये स्मृति नहीं रहे जब तक स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, इसलिए न धीर हैं न होने की आशा है।
आशा नहीं तो क्यों माला फेरते हो, क्यों कीर्तन करते हो? ये सब इसलिए करते हैं कि भगवान कृपा कर दे। तुलसीदास जी लिखा है, हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कहीं की दीन निहोरोए। 33 करोड़ देता है, किसके किसके पास जाए? तुलसीदास या जीव मोह रच, जो ही बांध है सोई छोरे। तुलसीदास लिखते हैं कि ये जो जीव है मोह की रस्सी में बंधा हुआ, ये जिसने बांधा है वही इसको छोड़ सकता है। हम लोग विषयों की रस्सी में बंधेंगे, विषय माने खाली स्त्री नहीं है, ममता ये भी विषय है, ये हमारी स्त्री है, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा मकान, ये सब विषय है। रोज विषय बढ़ा रहे हैं हम लोग। बुड्ढे हो गए, 4 लड़के हैं। एक सज्जन आए, बोले महाराज हम तो छुट्टी मिल गई। हमने क्या हुआ? तो 4 लड़के थे, 4 कोठियां बना दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमने सुना ठीक है भाई, तुमने मोटी अकल है, इतना ही संसार मान रखा कि 4 लड़के हैं, 4 कोठी बना दिया। अरे तुम तो बड़े भारे हत्यारे हो, तुमने बच्चों की हत्या कर दिया। और उनकी आंख फोड़ करके ऐसे गड्ढे में डाल दिया जहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। निपाते नष्ट दृश्यम ही करते, भगवान ने ऋषभ देव जी ने कहा है। सच्चे पिता होते तो पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा। गुरु है तो शिष्यों को यही समझावे, बाप है तो बेटों को। मल्लोक कामो मदनुग्रह था, जो हमारे धाम में आना चाहता है, मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है। तुमने तो वो काम किया बच्चे दूर हो जाए भगवान से, तुमने माया में फंसाया बच्चों को, तुमने हत्या किया बच्चों को, और खुश हो रहे हमने 4 कोठी बना दिया। 5, 5, 15 पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थ। हमारी कृपा प्राप्त करने जाना चाहते हो? इत्थम विमन्युर अनुशिष्याद अतज ज्ञान, तो अतज ज्ञान माने इनको तो बेचारों ज्ञान नहीं है, इनको शिक्षा दोगे त्याग के तो ये बिगड़ जाएंगे।
किसी लड़के से कहो तेरा ब्याह नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा, लड़की से कहो बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है भोग छोड़ना चाहिए। शिष्य से कहो बेटा ये सब धन मिट्टी है छोड़ दे, शिष्य बिगड़ जाएगा। लो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, कहते हैं सर्वत्याग कर दो। तो गुस्सा करोगे, गुस्सा मत करो, इसके मने जरूर लड़ाई होगी। इत्थम विमन्यु, तुमको क्रोध ही हिनोना पड़ेगा। लेकिन न योजेत कर्म सुकर्म मूठान, अनादिकाल से कर्म में फंसे हैं, वही इंद्रियों से भोग भोगना, जैसे कुत्ते बिल्ली मक्खी मच्छर वैसे हम लोग हैं, इनको कर्म में मत लगाओ। इत्थम विमन्युरनुशिष्यात् अतुज ज्ञान, नयोजेत कर्मसु कर्मूढम्। और ये सोचो कम योजयन मनजोर्थम लभेत, हमने पैसा कमाया, ब्याह किया, बच्चे पैदा किया, हमको क्या मिला? ऐसे मर जाओगे, तुमको मिला क्या? कम माने किसको मिला? बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भय, सारी दुनिया जीत लिया, उनको मिला क्या? कम योजयन मनुजोर्थम लभेत, किसी को कुछ नहीं मिला। चक्रवर्ती सम्राट था वो भी मरा, जैसे कुत्ता मरता है वो वैसे वो भी मर गया। इसलिए इनकी आंख मत फोड़ो, तुम तो नष्ट दृश्यम, दृष्टि माने आंख, तुम तो आंख फोड़ करके और गड्ढे में गिरा रहे हो। निपातन करते माने गड्ढे में, फिर एक तो ऐसा गड्ढा है कि कभी निकलेगा नहीं, और फिर अंधा कर दिया तुमने। अंधा क्या किया? आसक्ति में फंसा दिया। आसक्ति अंधा कर देती है। कहीं भी आसक्ति है तो मनुष्य अंधा हो जाता है, कहीं भी है। कामनाएं, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना अंधा कर देती है। ऐसा अंधा कर देती है कि भगवान बैठे हैं साथ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, त्वम सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर् ज्ञानम् भीष्टि सिद्धि। तथा पिंडलोको न भवन्त मंतधीर जानन्ति संतम हृदि बद्ध कामा। आप सारे संसार के सुहृत हैं, सुहृत कहते हैं
जो कुछ चाहता नहीं और भलाई करता है। तुम गाली दे रहे हो फिर भी तुम्हारी भलाई कर रहा है, तुम जूते मार रहे हो फिर भी भलाई कर रहा है, उसको उत्प्रेरित कहते हैं। सूरत भगवान है, हम लोग जिसने शरीर बनाना बनाया उसी को भूल जाते हैं। जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। जिसने शरीर बनाया हम उसी को भूल गए, तो संसार में सबसे बड़े खल दुष्ट, संसार में सबसे बड़े कामी, संसार में सबसे बड़े कुटिल हम ही हैं। ये जो लिखा है सूरदास जी ने, ये अपने ऊपर लिखा है लेकिन बात तो सब पर है। विचार करो इस दुनिया में हमसे ज्यादा दुष्ट कौन है, विचार करो इस दुनिया में हमसे ज्यादा कामी कौन है, विचार करो हमसे ज्यादा कुटिल कौन हो सकता है। जिसने शरीर बनाया उसको ही भूल गए, इससे ज्यादा कुटिलता क्या हो सकती है, इससे ज्यादा निष्ठा क्या हो सकती है, इससे ज्यादा कामुकता क्या हो सकती है। सूरत एकमात्र भगवान है, हम भूल गए हैं फिर भी हमारा पोषण कर रहा है, जीवन शक्ति दे रहा है। ये न जाता नहीं जीवंती ये तो वही इमानी भूतानी जायंते, ये न जाता नहीं जीवंती। हम अन्न के साथ नहीं जीते हैं, पानी पी के नहीं जीते हैं, जीवन शक्ति दे रहा है भगवान, दब जी रहे हैं। ये न जाता नहीं जीवंती यद पर्यंत्य अभिशंति, जहां पर प्रवेश करके अनंत काल तक हम रहते हैं वो है ब्रह्म। उसको भूल गए, वही प्रिय है, वही ईश्वर है, आत्मा है, वही गुरु है, वही ज्ञान है, वो अभीष्ट सिद्धि है। लेकिन हम अंधधी तथा लोको न भवंत मंदधीर, हमारी बुद्धि अंधी हो गई है। क्यों? न जानाती, हम जान नहीं पाते उसको। जबकि संतम हृदय हृदय में रहता है, यही है, लेकिन अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? बद्ध कामा, कामनाओं ने अंधा कर दिया। पैसा की कामना, भोग की कामना, यही कामना ही सब लोग सिखाते हैं संसार, हितैषी माने जाते हैं। मां बाप गुरु, गुरु भी चाहता है शिष्य के पास धन बढ़े तो हमको भेंट करेगा। संसार में हर आदमी कामना ही सिखाता है। इसलिए अंधे हो गए हैं,
इसी को महादेव जी ने कहा है पार्वती से, देवी हर प्राणी अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान रूपी शक्ति नेत्र नहीं है। एक चौपाई है बालकांड में, शायद 116 के आसपास दोहे में होगी, अज्ञ अकोविद अंध अभागी है 15 है। अंधा है, अभागा है। हम लोग कहते हैं बड़ा भागशाली है, ओ करोड़ों रुपए है, सुनो उमा ते परम भागी हरि तज हो विषम अनुरागी। हम लोग कहते हैं बड़ा भागशाली है, अरबपति है। अरे उस संसार का सबसे ज्यादा अभागा है। भगवान को छोड़कर गए इन चीजों में प्रेम करता है और उसको हम भागशाली समझते हैं। अंधे हम हैं। सुनो उमा ते परम, परम माने सबसे ऊंचा, उसी का भाग फूटा है। विषयों में अनुराग हुआ और बस अंधा हो गया। तो महादेव जी बोले कि अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। काई लग गई है, बोले साबुन से छुड़ा देंगे। अरे मन में लगी है भाई, साबुन वहां नहीं पहुंचेगा। विषय की काई लगती कहाँ है मुकुर में, आसक्ति रहती कहाँ है चित्त में। इसी ने जब भगवान में प्रेम होगा, 1:18:22 देह आदि, आदि मनी इंद्रियां में, मन वगैरह सब, इनमें आसक्ति की जो मूढ़ता है अंधता है वो भक्त दूर कर देता है। और भैया यहां तो आसक्ति बढ़ाते हैं। दो लाख हुआ अब 10 लाख और हो जाए, 10 लाख हुआ 20 लाख और हो जाए। इन्हें जीव आसक्ति को बढ़ा रहा है, ममता को बढ़ा रहा है। शिष्य किया 500, अब और हो जाए अच्छा 1000 हो जाए, ये क्या है? कल्याण हो रहा है। अरे कल्याण वर्णाट कुछ नहीं है, तुम्हारी आसक्ति की दुनिया बढ़ रही है, ये सोचते नहीं हो। ये तो जैसे कल हमने 7वें स्कंद में बताया था कि तुमने, तुम्हारे मन ने मान रखा है इसको धर्म, आभास कहते हैं इसको। 7, 15, 12 यस्तुच्छिया कृतः पुंभीर आभासो आश्रमात् पृथक। तुम सोच रहे हो हम कल्याण कर रहे हैं, कल्याण वर्ण्याण कुछ नहीं है, अधर्म है।
आश्रम बना रहे हैं, क्यों? कल्याण होगा संसार का। चंदा कर रहे हैं, क्यों? परहित के लिए, कुछ नहीं हितवित। तुमने अपनी इच्छा से इसको धर्म समझ रखा है, धर्म नहीं है, अधर्म है। अधर्म की शाखाएं हैं पांच, उसमें एक शाखा है आभास। तुमने मान लिया कि ये, क्यों मान लिया? क्योंकि तुमको शिक्षा मिली है, तुमको ऐसे गुरु मिल गए कि उन्होंने बता दिया कि जाओ प्रचार करो, यही धर्म है। इसलिए अधर्म को धर्म तुमने मान लिया, ये छल है। छल माने जब हम लोग ऐसी शिक्षा देते हैं, छल की परिभाषा है शब्द भी छल, शब्दों की ऐसी परिभाषा कर देंगे, वेद के मंत्रों का, पुराणों श्लोकों का, कि आदमी सुनने वाला उसको ही सत्य मानेगा। ये छल है, शब्द भी छल, शब्दों का भेदन कर देते हैं। इसीलिए ये अधर्म है, विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छल। अधर्म शाखा पंचेमा, धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। ये पांच प्रकार के अधर्म होते हैं। धर्म को जानने वाला इनको छोड़ देना चाहिए। अब बड़े बड़े अब परसों हमने देखा, कुंभ में आ रहा था साधु समाज का निर्णय, वो हमने खोला था सप्ताह सुनने के लिए। श्री जी की भागवत आती है दिशा पर, तो खुलते मान वो साधु समाज की मीटिंग आई। उसमें बहुत बड़े बड़े संत बैठे भारतवर्ष के, 13 प्रस्ताव पास किए। सुनते रहे और ये ऐलान किया गया, ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। तो ज्योतिष पीठों के एक ही जगत गुरु बन गए हैं, जबकि चार जगत गुरु होते हैं। ये अभूतपूर्व घटना घटी। सुनते रहे लेकिन एक पाई समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब जगत गुरु वगैरह ये सब एक छल है। ब्रह्मा जी घबराते हैं, उनको जगत गुरु कह देता है कोई, वो कहते हैं क्या माया है, मैं तो जगत गुरु हूं नहीं। और हमको जगतगुरु कहा जा रहा है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। ब्रह्मा जी घबरा गए जब उनको जगतगुरु कहा गया।
भले भगवान को नमस्कार है, जिनकी माया के कारण लोग हमको जगतगुरु कहते हैं। बोले आपने दुनिया बनाई, बोले नहीं, जगतगुरु तो एक ही है, कृष्ण। एक पेपर में निकला था बहुत पहले, 14 जगतगुरु भारतवर्ष में घूम रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? शब्द भी छल, ये छल है संसार में। ये सब भगवान की कृपा से दूर होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने पद में कहा है, के हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर। 33 करोड़ देवता हैं और वेदों ने इसका समर्थन किया है। कई कई दीन नहीं हो रहे, मैं कहां जाऊं? अंतिम बात यह है कि तुलसीदास, ए जीव मोह रज, इस जीव को मोह रज में जिसने बांधा है वही इसको हटा सकता है। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, लेकिन शरण में जाने के लिए याद रखो, शरण में शरीर नहीं जाएगा, मन जाएगा। शरीर से किए काम सब मिथ्या हैं, शरण मन से जाया जाता है। बाहर की गद्दी वद्दी आचार गुरु पुरु सब झगड़ा है, ऐसी शरणागति भगवान कृपा करे तो होती है, नहीं तो नहीं होती। जय श्री राधे।